हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलिंग प्लान्स। व्यूअर्स, आज हम आपको 30x40 फीट में कंस्ट्रक्ट किया हुआ घर का जो है वॉक थ्रू दिखाऊंगा। एंड उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये सेल पर्पोज है। एंड कोई इंटरेस्टेड रहा तो आप एड्रेस जो है ना, बीदर सिटी, कर्नाटका स्टेट बीदर सिटी, ये मैलूर रिंग रोड आप पहचानते होंगे। मैलूर रिंग रोड तो आपको मालूम ही होगा जो बीदर में रहते हैं। एंड आसपास पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है। तो कोई भी इंटरेस्टेड रहा तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, बीदर से बिलोंग करते हैं या फिर इसका एक देखना चाहते हैं इस घर के लिए, तो मैसेज करिए। एंड ये टोटल बिल्टअप एरिया है ना, 30x40 मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बिल्टअप। इसके अंदर टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम का साइज़ जो है ना, मिडल में 9x18 का लिया गया, बाकी का जो है 9x15 इंच। और मिडल के अंदर जो रॉड्स है वो 16mm का 8 रॉड, ओके, 9x18 में 8 रॉड लिया गया 16 का। एंड सो एकदम एक स्टैंडर्ड हाइट, इसका हाइट की बात करें तो 11 फीट हाइट लिया गया, फुल स्टैंडर्ड हाइट। अगर आप सीलिंग बनाए तो भी आपको क्लियर स्पैन 10 फुट 3 इंच मिल जाता। उसके अलावा और एक एडवांटेज क्या है, मोस्ट एडवांटेज, सब कुछ जो ज़रूरी है जैसा ऑक्सीजन, उसी की तरह पानी ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पानी होना बहुत ज़रूरी है। सो बोरवेल है यहाँ पर, करीब करीब 2 से 3 इंच का पानी यहाँ पे लगा, मतलब मोस्ट सफिशियंट है। पूरा एक आपको जितना चाहिए उससे बढ़ को यहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी है, फुल प्रेशर के साथ आपको पानी मिल जाता। उसके अलावा जो है प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे देखिएगा, इस लेआउट में एक गोयल लेआउट है ना, जो शाइन गर्ल्स हॉस्टल है उसके बाजू में ही आता है। एंड यहाँ पर जो फ़िलहाल प्लॉट का डिमांड चल रहा है 25 लाख रुपीज़, ओके, बिकॉज़ पूरा सिटी के अंदर आया एंड आसपास फुल कंस्ट्रक्टेड एरिया हो रहा है ना, तो प्लॉट का रेट ही है 25 लाख रुपीज़। उसके अलावा जो है बेसमेंट हाइट 5 फीट हाइट लिया गया और कंप्लीट प्लिंथ बीम है इसमें, ओके, प्लिंथ बीम एंड कॉलम। सो दो स्लैब ऑलरेडी पड़ चुके हैं। सो अब मैं आपको वॉक थ्रू दिखाता हूँ लेटस से। ये जो स्टेयरकेस है पूरा वास्तु के अनुसार लिया गया, सेपरेट टैंक साउथ ईस्ट की कॉर्नर की तरफ, स्टेयर्स भी साउथ की तरफ लिया गया। और वहाँ पे प्लान की बात करें तो 2 अटैच्ड, यानी कि 1 अटैच्ड और 1 कॉमन टॉयलेट, बात पूरा वास्तु के अनुसार आप बना सकते हैं। अगर हो सका तो आप नीचे में 2 BHK बना सकते हैं, बाकी का जो जगह है पार्किंग के लिए रख सकते हैं। एंड जिगजैग शेप में लेगा स्टेयरकेस, कुछ अलग डिज़ाइन दिखना बोल के। ये स्टेयरकेस एंड ये है ना, जिगजैग शेप में स्टेयर्स लिएगा इधर, ओके, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एंड हो सका इधर लाइटिंग लगाए तो और मस्त दिखता। ये पार्किंग एरिया, कार पार्किंग इजीली आप रख सकते इधर। फिर उसके अलावा हॉल सिट आउट या किचन बनाना है तो भी यहाँ पे आप बना सकते। इधर बोरवेल है कंटिन्यूस, आपको पानी का कोई किल्लत नहीं है, ओके, वो एडवांटेज। एंड घर के सामने क्या है, 30 फीट का रोड है, ओके, 9 मीटर का रोड, 30 फीट आता सामने की तरफ ऐसा है। सराउंडिंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिएगा, पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है। सो नज़दीक है, समझो बहुत नज़दीक है। उसके अलावा ये पीछे की तरफ लेआउट है, गोयल लेआउट, वहाँ से भी आप चाहे तो रास्ता बना सकते हैं, उधर भी रोड आता आपको, वो एक एडवांटेज है। मतलब लेआउट से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, वो शाइन गर्ल्स शाइन कॉलेज हॉस्टल है। ये प्लिंथ बीम एंड प्लिंथ किसी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किएगा, मतलब एक सेल्फ खुद के लिए बनाए जैसे ये घर है, ओके, बनाए तो बिजनेस पर्पस, बट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया। ये 1 फीट का प्लिंथ बीम लिया गया एंड टॉयलेट रूम्स, ये हॉल आप बना सकते, इतना बड़ा सा हॉल। फिर उसके अलावा इधर टॉयलेट रूम के लिए भी जगह दिया गया सफिशेंट। ये बेडरूम है यहाँ पर, इधर एक बेडरूम बना सकते। अगर आपको वहाँ से भी एडवांटेज लेना है बोले तो उधर से आप जगह ले सकते, समझ लीजिए, मतलब वहाँ पे फुल ओपन पार्किंग रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये बोरवेल का पानी है, फुल प्रेशर के साथ आते देखो ऐसा। सो सफिशियंट पानी है आपका एरिया के लिए। एंड टेम्प्ररी यहाँ पर कनेक्शन लिया गया। सो व्यूअर्स, ऐसा है देखो, वहाँ से एंट्रेंस प्लान है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। वहाँ से एंट्रेंस, ये आप हॉल बनाए समझो बीच में, उधर किचन बना सकते, ओ उस कॉर्नर की तरफ
या फिर इधर भी आप किचन बना सकते हैं। ये एक बेडरूम, ये टॉयलेट एंड बाथ इधर अटैच्ड है, और एक कॉमन, वहाँ पे एक बेडरूम, ये बीच में हॉल भी बना सकते हैं। उस तरफ क्या है ना, सिट आउट बना सकते हैं समझो, उधर इधर किचन आता। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ। फिर उसके अलावा एक बार आप क्वालिटी भी देख लीजिएगा। सो इसका प्राइस की बात करें, ये व्यूअर्स आपको दूसरी तरफ से नज़र आता है इस तरह का, एंड ये जो है ना इस तरफ से, एंड इसकी प्राइस की बात करें तो 44 लाख रुपीज़, लाइट नेगोशिएबल, जस्ट 1000 में नेगोशिएबल है। सो इंटरेस्टेड, वाक्य में आपको इंटरेस्टेड है तो देखिएगा, अच्छा है। एंड पूरा एक स्ट्रक्चर, मैं अभी आपको ऊपर जाके रॉड्स का डिटेल्स दिखाता हूँ, लेट अस सी। ये फर्स्ट फ्लोर का, ओके, फर्स्ट फ्लोर में 3 BHK आप बना सकते हैं इजीली, या उस अदर चाहे तो उस तरफ बालकनी रख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये स्टेयरकेस का, यहाँ पर देखो कॉर्नर जो कॉलम है वहाँ पर 2 लोड आता समझो, तो 16 का 4 12 का 2 लिया गया। और यहाँ की बात करें तो ये 9x18 इंच का कॉलम है, जिसके अंदर क्या है 16mm का 8 रॉड लिया गया, ओके। एंड जो मिडल के कॉलम रहते हैं ना, उसके अंदर 16x4 लिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का। ये लोकेलिटी